एवरीवन, सोलुशन जी के केस क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने कल हरप्पन सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। आज हमें स्टार्ट करना है वैदिक कल्चर से, यानी कि वैदिक संस्कृति से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेरे बुक में ये पेज नंबर 27 में, आपके पास भी बुक हो तो आप खोल लीजिए। वैदिक कल्चर जिसका समय कितना है, 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है वैदिक संस्कृति का। ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, आर्यंसों का, आर्यंस का वास्तविक घर या वास्तविक निवास कहाँ था। द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस स्टिल रिमेन्स ए कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट। तो जो इनकी स्थिति थी कि ये कहाँ रहते थे, इनका असली निवास स्थान कहाँ था, ये अभी भी एक विवाद की वस्तु है या विवादास्पद बात है। Some scholars believe that Aryans were native to the soil of India, and some other scholars believe that the Aryans were migrated from outside. तो कुछ विद्वान हैं जो ऐसा कहते हैं कि आर्यन जो थे वो भारत के ही निवासी थे, जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि वो बाहर से भारत में आके रहे थे। तो मैक्स मुलर के द्वारा क्या कहा गया कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से आए थे, जबकि बीजी तिलक के द्वारा कहा गया कि यूरोप या आर्कटिक रीजन से ये आर्यन आके भारत में बसे थे। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ द आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एक सामान्य मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो आर्यन थे वो भारत में माइग्रेशन करके आए थे, कहाँ से, तो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से। इन द सेवरल स्टेजेस ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग 2000 बीसी टू 1500 बीसी, तो बहुत सारे स्टेज में थोड़े थोड़े करके वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके भारत में आए थे 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। बुगात्स्काई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की विच मेंशन फोर वैदिक गॉड्स। तो बुगात्स्काई इंस्क्रिप्शन है, शिला लेख है बुगात्स्काई, तो वो चार वैदिक गॉड्स के बारे में बताता है, चार वैदिक देवताओं के बारे में बताता है। तो वो कौन कौन से देवता है, बुगात्स्काई इंस्क्रिप्शन ये चार वैदिक देवताओं के बारे में बताता है, फोर वैदिक गॉड्स। और वो फोर वैदिक गॉड कौन कौन से हैं, पहले हैं इंद्र, दूसरे हैं वरुण, तीसरे हैं मित्र और चौथे कौन है, चौथे हैं नसात्या। तो ये चार तरह के देवताओं के बारे में कहा, बुगात्स्काई इंस्क्रिप्शन, बुगात्स्काई शिलालेख में चार तरह के वैदिक देवताओं के बारे में बताया गया है, इंद्र, वरुण, मित्रा और नसात्यास के बारे में। ये चार तरह के वैदिक देवता हैं। प्रूफ सेंट्रल थ्योरी एज देयर होमलैंड। तो ये चार तरह के देवताओं को जो बताया गया है, ये बताया जाता है कि सेंट्रल एशिया जो है वो वही उनका असली होमलैंड था या वही उनका निवास था। The group that came to India first settled in the present frontier province and Punjab, then crossed up the Sindhu, that is region of seven rivers. तो सबसे पहले जो आए थे भारत में, तो कुछ सीमांत प्रदेशों में और पंजाब के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे आके रुके थे, और उस समय उस रीजन को सप्त सिंधु कहा जाता था, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, जिसका कि मतलब होता है सात नदियों का क्षेत्र। सात नदियों का क्षेत्र जो क्षेत्र बना था उसे सप्त सिंधु का नाम दिया गया था, और उसी क्षेत्र में आकर पहली बार आर्यन जो आए थे वो वही आगे रहे थे। They lived here for many centuries. वो बहुत शताब्दियों तक वहाँ रहे, बहुत समय तक वहाँ रहे, and gradually pushed into the interior to settle in the valleys of Ganga and the Yamuna. तो फिर धीरे धीरे वो बहुत दिनों तक ऐसे सप्त सिंधु की जो क्षेत्र थी वहाँ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो भारत के कुछ आंतरिक जगहों पे आगे बसना शुरू कर दिए, गंगा और यमुना के घाटियों में वो आकर रहना शुरू कर दिए। वैदिक लिटरेचर,
तो वैदिक साहित्य अब कुछ दिए गए हैं। इट इज प्रज्यूम दैट ऋग वेदा वाज कंपोज्ड व्हाइल द आर्यंस वर स्टिल इन द पंजाब। तो ऐसा माना जाता है कि ऋग वेद की रचना उसी समय हो गई थी जब आर्यंस आके पंजाब में थे, उसी समय ऋग वेद की रचना कर दी गई थी। वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ फोर लिटरेरी प्रोडक्शन। तो वैदिक सभ्यता के अंदर चार साहित्यिक प्रोडक्शन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है द संहितास और वेदास, दूसरा है द ब्राह्मणास, तीसरा है द आर्यंकास, और चौथा है द उपनिषद्स। तो ये चार तरह के लिटरेरी प्रोडक्शन बताए गए हैं किसके अंदर? तो वैदिक साहित्य के अंदर। वैदिक साहित्य के अंदर ये चार तरह के साहित्यिक प्रोडक्शन बताए गए हैं, संहितास और वेदास पहला है, ब्राह्मणास दूसरा है, आर्यंकास तीसरा है, और द उपनिषद ये चौथा है। ये चार तरह के लिटरेरी प्रोडक्शन बताए गए हैं किसके अंदर? तो वैदिक लिटरेचर के अंदर। Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth, hence these are called Shrutis. तो वैदिक साहित्य जो थे वो क्या, वैदिक साहित्य जो थे वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए। कैसे? तो एक एक आदमी बोला, फिर अगले जनरेशन में वो अगर बचा रहा तो अगले जनरेशन में वो बताया। तो मतलब मुख से ही इसका विस्तार हुआ था, मुंह से ही बोलकर वेदों के बारे में लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान दी गई थी। इस वजह से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? टू हियर, यानी कि सुनकर किसी चीज को आगे बढ़ाना, इसी को श्रुति कहा जाता है। और वेदों को ऐसे ही आगे बढ़ाया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर द वेदास। तो सबसे जो महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है वो कौन सा है? वो वेद ही है। वेद्स आर कॉल्ड अपौर श्रेय से दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट बाय गॉड गिफ्टेड एंड नित्य दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। तो वेदों को ऐसा कहा जाता है कि लोगों के द्वारा, आदमी के द्वारा, आदमियों के द्वारा इसे बनाया नहीं गया है, ये गॉड गिफ्टेड है। वेद जो है वो गॉड गिफ्टेड है और ये अनंत काल तक रहेगा, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और ये गॉड गिफ्टेड है, मनुष्यों के द्वारा इसका रचना नहीं किया गया है। There are four Vedas, Rig Ved, Yajur Ved, Sham Ved and Atharva Ved. तो चार तरह के वेद होते हैं, और कौन से होते हैं? There are four Vedas. पहला है Rig Ved, दूसरा है Sham Ved, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये चार तरह के वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द फर्स्ट थ्री वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्री दैट इज त्रयो ऑफ वेदास। तो पहले जो तीन है, चारों वेदों में से जो पहले तीन है कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें त्रयो ऑफ वेदास या ट्राई ऑफ वेदास मतलब क्या होता है कि वेदों की टिकड़ी, यानी कि जो पहले तीन है इन्हें वेदों की टिकड़ी के नाम से जाना जाता है, और या इन्हें वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों को मिलाकर वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। ऑफ द फोर वेदास
The Rigved collection of lyrics is the oldest text in the world and therefore it is also known as first testament of mankind. तो ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में से सबसे पुराना टेक्स्ट है या सबसे प्राचीन टेक्स्ट है. The Rigveda contains 1028 hymns and 10,580 verses. तो ऋग्वेद के अंदर 1028 क्या है hymns हैं. hymns मतलब हम मंत्र कह सकते हैं. तो 1028 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर और 10,580 verses हैं. वर्सेस का मतलब पद यानी कि कविताओं की तरह लिखा गया जो होता है उसे वर्सेस कहा जाता है. तो 1028 मंत्र और 10,580 वर्सेस हैं. 1028 हिम्स एंड 10,500 वर्सेस ये किसके अंदर है तो ये ऋग्वेदा के अंदर है और ऋग्वेदा सबसे पुराना वेदा है या सबसे ओल्डेस्ट सबसे प्राचीनतम टेक्स्ट है. डिवाइडेड इंटू 10 मंडलास 6 मंडलास आर कॉल्ड गोत्र. तो ये जो 1028 हिम्स और 10,580 वर्सेस है इन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और इन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और 6 मंडलास आर कॉल्ड गोत्र. दूसरा से लेकर जो सातवां मंडल है इन्हें जो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है उसमें से दूसरा से लेकर जो सातवां मंडल है उसे गोत्र कहा जाता है. गोत्र या वामसा मंडल के नाम से जाना जाता है. गोत्र या वामसा मंडल के नाम से जाना जाता है दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक. द फर्स्ट एंड टेंथ मंडलास आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर. पहला और दसवां मंडल जो है उसे बताया जाता है कि इसे बाद में जोड़ा गया था. द टेंथ मंडल कंटेन्स द फेमस पुरुष सूक्त विच एक्सप्लेन द फोर वर्णस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र. तो जो दसवां मंडल है ये क्यों फेमस हुआ क्यों प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसके अंदर पुरुष सूक्त बताया गया था. पुरुष सूक्त में क्या होता है कि चार तरह के वर्ण बताए गए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र. ये दसवें मंडल में बताया गया था. दसवें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है जिसमें चार वर्णों को बताया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र. द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर रिसाइटेड बाई होत्री. ऋग्वेदा के जो हिम्स हैं जो मंत्र है वो किसके द्वारा उच्चारित किए गए थे तो होत्री के द्वारा. द यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स इज अ रिचुअल वेदा. तो यजुर्वेद क्या है तो यह बलि जो दिया जाता है बलि के समय जो प्रार्थना या जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो यजुर्वेद में दिया हुआ है जो कि एक अनुष्ठान का वेद है या पूजा पाठ में जो यूज होता है जो मंत्र वैसे वैसे मंत्र यजुर्वेद में दिए गए हैं. इट हिम्स वेयर रिसाइटेड बाई अधर वर्यूज. तो इसके जो हिम्स हैं इसके जो मंत्र हैं वो अधर वर्यूज के द्वारा रिसाइटेड या उच्चारित किए गए थे. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद. तो यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है. पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद. ये यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है. तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद किसके द्वारा रिसाइटेड किया गया था किसके द्वारा उच्चारित किया गया था तो ये होत्री के द्वारा उच्चारित किया गया था ऋग्वेद के मंत्रों को. यजुर्वेद के मंत्रों को किसके द्वारा उच्चारित किया गया था तो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ा गया था किसके द्वारा अधवर्यूज के द्वारा. ऋग्वेद के मंत्रों को होत्री के द्वारा पढ़ा गया था और यजुर्वेद के मंत्रों को अधवर्यूज के द्वारा पढ़ा गया था. द सामवेद सामवेद बुक ऑफ चैंट्स हैज 1549 वर्सेस. तो सामवेद के अंदर 1549 वर्सेस या पद्य हैं. All verses excluding 75 were taken from the Rigveda. तो सामवेदा के अंदर जो 1549 verses हैं उनमें से केवल 75 को छोड़कर बाकी जो जितने थे वो ऋग्वेदा से लिए गए थे. The hymns of सामवेदा are recited by उद्गात्री. तो सामवेदा के जो hymns हैं वो किसके द्वारा किए पढ़े गए थे ये उद्गात्री के द्वारा पढ़े गए थे. अगला है अथर्ववेद.
अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, ये मैजिकल फॉर्मूला का किताब है कौन सा, तो अथर्ववेद। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कॉन्टेन्स द चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेस। तो पहला और लास्ट वन जिसका जो इसका है वो क्या, किससे क्या होता है कि वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेस, तो बुराइयों से और बीमारियों से पीछा छुड़ाने के लिए, इविल्स एंड डिजीज से पीछा छुड़ाने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है या ये मंत्र बोला जाता है। कौन सा? द फोर्थ एंड द लास्ट वन। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। बहुत समय तक अथर्ववेद को वेदों की कैटेगरी में, वेदों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। द ब्राह्मणास एक्सप्लेन हिम्स ऑफ वेदास। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदों के मंत्रों को उच्चारित करते हैं या पढ़ते हैं या व्याख्या करते हैं। दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक मैटर। तो वो प्रोज में यानी कि गद्य में और कर्म कांडों में लिखे गए हैं। ब्रह्मा में सेक्रीफाइस, तो ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल हैव बीन एलैबोरेटली डिस्कस्ड इन द ब्राह्मणास। तो बहुत सारे सेक्रीफाइस और बहुत सारे रिचुअल्स को ब्राह्मणास के अंदर विस्तार पूर्वक बताया गया है। एवरी वेदा हैज सेवरल ब्राह्मणास अटेस्ट टू इट। तो जो प्रत्येक वेद है उसके अलग अलग ब्राह्मणास हैं जो कि उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऋग्वेद के कौन से हैं, तो ऋग्वेद के हैं अत्रेय एवं कौशीतकी या सांख्यान के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के साथ कौन जुड़े हैं, तो सतपथ जुड़े हैं जो कि द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा है। तो सतपथ क्या है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा है और ये यजुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है। सामवेद के साथ पंचविश जुड़ा हुआ है जो कि तांड्य महाब्राह्मण कहा जाता है उसे, और सांघविश और चंडोग्य और जामिनया ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद के साथ गोपथ जुड़ा हुआ है। द वर्ड आर्यन मीन्स द फॉरेस्ट। आर्यन, आर्यन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट या जंगल। द फॉरेस्ट टेक्स्ट वेयर कॉल्ड आर्यन का, और फॉरेस्ट टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, जो जंगलों का पाठ जो बनाया गया था, लिखा गया था, उसे आर्यन का के नाम से जाना जाता है। बिकॉज दे वेयर रिटेन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल। तो मुख्य रूप से वो किस लिए लिखे गए थे, आर्यन का इसलिए लिखे गए थे कि जो भी तपस्वी या जो भी साधु लोग रहते हैं जंगलों में उनके लिए लिखा गया था। जो भी तपस्वी या जो भी विद्यार्थी लोग पहले जो जंगलों में रहते थे उनके लिए अर्यंका लिखा गया था। द अर्यंका आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास। जो कंक्लूडिंग पोर्शन है उसे कंक्लूड कर दिया गया ब्राह्मणा को, उसी से अर्यंका का निर्माण हुआ है, यानी कि ब्राह्मणा का कंक्लूजन है अर्यंका। द उपनिषद आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। इसके बाद आया उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, एक दार्शनिक पाठ है। दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता। उपनिषद को वेदांता सामान्यतः कहा जाता है, उपनिषद को वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। एज दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा। और वेदांता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों का जब अंत हुआ, वेद जब खत्म हो गए तो वेदांत तो उपनिषद आए थे, इस वजह से इन्हें वेदांता के नाम से जाना जाता है। देयर आर 108 उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों को वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। बृहदयांका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो बृहदयांका जो है वो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन उपनिषद है। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। तो वैदिक ट्रेडिशन या वैदिक परंपरा के साहित्य के बारे में पढ़ना है, जो कि 600 BC से 600 AD के बीच में थे। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन स्मृति दैट इज रिमेम्बर्स लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ 6 लिटरेरी वर्क्स। तो वैदिक परंपरा के जो साहित्य है उसके अंदर 6 तरह के साहित्यिक काम किए गए हैं, 6 तरह के साहित्य लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है वेदांगाद या सूत्र, दूसरा है स्मृति धर्मशास्त्र, तीसरा है महाकाव्य महाकाव्य, चौथा है पुराणास, पांचवा है उपवेदास और छठा है साध दर्शन। ये 6 तरह के वैदिक सभ्यता के जो लिटरेचर है, वैदिक सभ्यता के जो साहित्य है, उन्हें 6 भागों में बांटा गया है या 6 तरीके से लिखा गया है। देयर आर 6 वेदांगास। तो पहले पढ़ते हैं जो हमने बताया कि 6 लिटरेरी वर्क है, 6 साहित्यिक काम है, उनमें से पहला है वेदांगास। तो वेदांगास के बारे में पढ़ते हैं।
पहला है वेदांगदेयर आर सिक्स वेदांगास, तो वेदांगास की संख्या भी वेदांगों की संख्या भी छह ही है, छह है। पहला है शिक्षा, तो प्रतिशाख्य द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, ध्वनि शास्त्र। तो ध्वनि शास्त्र या स्वर विज्ञान के अंदर जो प्रतिशाख्य था वो सबसे प्राचीनतम टेक्स्ट है, किस पे, तो फोनेटिक्स पे या स्वर विज्ञान पे या ध्वनि शास्त्र पे। दूसरा है वेदांगा का कल्प सूत्र, तो कल्प सूत्र क्या है, सरोता सूत्र या सुलवा सूत्र, डील विद सैक्रिफाइसेस। तो ये कल्प सूत्र के अंदर दो तरह के आते हैं, पहला है सरोता सूत्र या शुल्व सूत्र, जो कि सैक्रिफाइसेस जो कि यज्ञ होते हैं उसमें उसका काम आता है। दूसरा है गृह सूत्र, डील विद फैमिली सेरेमोनीज, तो दूसरा कौन सा है, गृह सूत्र, जो कि परिवारों में जो सेरेमोनीज होती हैं, जो खुशी मांगने वाली जो चीजें होती हैं उससे वो डील करता है, कौन, गृह सूत्र। तीसरा है धर्म सूत्र, जो कि डील विद वर्णास एंड आश्रमास, तो धर्म सूत्र वर्ण या आश्रमों से संबंधित है। तीसरा वेदांग कौन सा है, पहला हुआ शिक्षा, दूसरा हुआ कल्प सूत्र, तीसरा वेदांग है जो वो है व्याकरण, जिसे कि इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। अष्टाध्यायी पाणिनी द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, तो पाणिनी के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा गया था वो विश्व का सबसे पुराना ग्रामर पे जो टेक्स्ट लिखा गया है वो है कौन सा, अष्टाध्यायी पाणिनी के द्वारा लिखा गया था। चौथा है निरुक्त, निरुक्ता बेस्ड ऑन निघंटु, ए कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, तो निरुक्ता के अंदर क्या होता है कि निघंटु पे आधारित है, निघंटु पे बेस्ड है, जिसमें कि वैदिक के जो वेदों के जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, जो कठिन शब्द थे, उनका कलेक्शन दिया हुआ है। द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, निरुक्ता द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, तो निघंटु क्या है, द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, तो निघंटु के अंदर विश्व के सबसे प्राचीनतम शब्दों को कलेक्शन किया गया है, विश्व के सबसे प्राचीनतम शब्दों का कलेक्शन है, जबकि निरुक्ता क्या है, तो निरुक्ता है द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन शब्दकोश है या डिक्शनरी है। अगला है छंद, छंद सूत्र, फेमस टेक्स्ट, तो छंद के अंदर छंद सूत्र आता है, जो कि एक प्रसिद्ध टेक्स्ट है। छठा है ज्योतिष, वेदांग में ज्योतिष द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट, तो सबसे प्राचीनतम ज्योतिष टेक्स्ट कौन सा है, तो वह है वेदांग ज्योतिष। उसके बाद ये खत्म कर लिए हमने सिक्स वेदांग, छह वेदांग, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प सूत्र, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये छह तरह के वेदांग होते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं स्मृतिज के बारे में, तो देयर आर सिक्स फेमस स्मृतिज, तो स्मृतियों की संख्या भी सिक्स ही है या छह है। पहला कौन सा है, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति क्या है, प्री गुप्त पीरियड का ये है मनुस्मृति, द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट, तो सबसे प्राचीनतम स्मृति टेक्स्ट कौन सा है, मनुस्मृति है। इसके कमेंटेटर्स या इसके व्याख्याता या टिप्पणीकार या समीक्षक कौन कौन हुए, तो विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंद राज और कुल्लुक भट्ट, ये इसके टिप्पणीकार या समीक्षक हुए मनुस्मृति के। कौन कौन है, तो विश्वरूप, मेघातिथि, गोविंद राज और कुल्लुक भट्ट। अगला है जो स्मृति, दूसरा स्मृति है ये यज्ञवल्क्य स्मृति, तो यज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसके कमेंटेटर्स कौन कौन से हैं, कौन है, तो विश्वरूप, जिमूत वाहन और विज्ञानेश्वर, ये इसके कमेंटेटर्स हैं या समीक्षक हैं या विख्याता है। अगला है नारद स्मृति, ये गुप्ता पीरियड का है, गुप्त काल का है नारद स्मृति, चौथा नंबर है पराशर समिति, ये भी गुप्त पीरियड का है, पांचवा है बृहस्पति समिति, ये भी गुप्त पीरियड का है, और छठा है कात्यायन स्मृति, ये भी गुप्त पीरियड का है। ये छह तरह के स्मृतिज हैं। देयर आर मेनली टू महाकाव्य, तो दो तरह के महाकाव्य हैं, कौन कौन से हैं, दो तरह के एपिक हैं, वो कौन है, पहला है रामायण, तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, इट इज नोन एज आदि काव्य, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, तो रामायण को आदि काव्य से जाना जाता है, आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है। At present, it contains of 24,000 श्लोकास, that is verses. तो वर्तमान में जो रामायण के अंदर
अंदर 24,000 श्लोक हैं जो कि वर्सेस के फॉर्म में है या पद्य के रूप में है या कविता के रूप में है, कितनी उनकी संख्या है? तो वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं रामायण में। ओरिजिनली 6,000, लेटर 12,000, फाइनली 24,000 इनटू 7 कांड्स। तो सबसे पहले जो रामायण रचित किया गया था उसमें 6,000 श्लोक थे, बाद में इसे बढ़ाकर 12,000 किया गया, और फिर अंत में अभी फाइनली जो प्रेजेंट में हम रामायण पढ़ते हैं उसमें 24,000 श्लोक हैं, जिसे कि 7 कांडों में बांटा गया है। रामायण को 7 कांडों में बांटा गया है, 24,000 श्लोकों को 7 कांडों में बांटा गया है। फर्स्ट एंड सेवेंथ कांडास वेर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण। तो 7 कांडों में जो पहला और 7वां कांड है उसे कहा जाता है कि यह बाद में रामायण में ऐड किया गया था या जोड़ा गया था। पहले और 7वें कांड को ऐसा कहा जाता है कि ये बाद में रामायण में जोड़ा गया था। दूसरा महाकाव्य कौन सा है? पहला तो हो गया रामायण, दूसरा महाकाव्य है द महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। The longest epic of the world, तो सबसे लंबा महाकाव्य है पूरे विश्व का वो कौन सा है? तो महाभारत है। जबकि रामायण जो है वो सबसे पुराना महाकाव्य है पूरे विश्व का, और महाभारत क्या है? सबसे लंबा महाकाव्य है पूरे विश्व का। It consists of 1 lakh श्लोक्स, that is verses। तो अभी वर्तमान में महाभारत के अंदर लगभग या पूरा पूरा 1 लाख श्लोक हैं। प्रेजेंट में महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं जो कि वर्सेस के फॉर्म में है या पद्य के रूप में है। ओरिजिनली 8,000, जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो ओरिजिनली यानी कि सबसे पहले जो महाभारत की रचना हुई थी तो उसमें 8,000 श्लोक थे, जिसे कि जय संहिता नाम दिया गया था। 8,000 श्लोकों के साथ महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, जिसे जय संहिता का नाम दिया गया। बाद में 24,000 श्लोकों की संख्या कर दी गई, जिसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा गया या भारता के नाम से जाना गया। तो जब 8,000 से ओरिजिनल 8,000 से जब 24,000 श्लोक बढ़ा दिए गए तो उसे क्या कहा गया? तो चतुर्विंशति संहिता कहा गया और या भारत के नाम से जाना गया। फाइनली 1 लाख, जिसे कि सहस्त्रशास्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रेजेंट में महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं, जिसे कि सहस्त्रशास्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। इन 80 पर्वंस, तो महाभारत के 1 लाख श्लोकों को 18 पर्वन में बांटा गया है या 18 चैप्टर्स में बांटा गया है, प्लस द हरिवंशा सप्लीमेंट। तो उसमें क्या है, हरिवंशा सप्लीमेंट की तरह जोड़ा गया है। सप्लीमेंट मतलब किताब के अंत में जो अपेंडिक्स दिया रहता है, तो हरिवंशा के नाम से महाभारत में उसे अलग से जोड़ा गया है। उसे मिलाकर कुल कितने 18 पर्वंस हैं या 18 चैप्टर्स हैं। भगवद गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्वन ऑफ महाभारत, तो भगवद गीता को महाभारत के भीष्म पर्वन से लिया गया है या भीष्म पर्वन से महाभारत के भगवद गीता को निकाला गया है। शांति पर्वन इज द लार्जेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत, तो महाभारत का शांति पर्वन जो है वो सबसे बड़ा पर्वन है। भगवद गीता को भीष्म पर्वन से निकाला गया है और शांति पर्वन महाभारत का सबसे बड़ा पर्वन है। आगे चलते हैं, हमारे 2 महाकाव्य खत्म हो गए। आगे है पुराण, तो पुराणस मीन्स द ओल्ड। पुराणों का मतलब क्या होता है? ओल्ड या प्राचीन। देयर आर 18 फेमस पुराणस, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। द मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराणिक टेक्स्ट है या पुराणिक टेक्स्ट है या पुराणिक पाठ है। द अदर इम्पोर्टेंट पुराणस आर द भगवता, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मणदा। तो और जो बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण पुराण है वो कौन कौन से हैं? द भगवत, द विष्णु, द वायु और ब्रह्मणदा, ये और कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। जबकि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। They describe generally 5 subjects, तो उसमें 5 विषय वस्तु बताए गए हैं। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वामसा, चौथा है मनवंतर और पांचवा है वंशामनुचरिता। तो ये फर्स्ट ह्यूमंस एंड
मनवंतर क्या बताता है, द रेन ऑफ मनु द फर्स्ट ह्यूमन। तो मनवंतर के अंदर बताया गया है कि मनु जो थे उनके शासन के बारे में बताया गया है। मनु को ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले मानव थे। और वंशानुचरिता के अंदर क्या दिया गया है, तो जीनियोलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टीज। तो बहुत सारे रॉयल डायनेस्टी जो थे, राजशाही डायनेस्टीज थे, उनके वंशों के बारे में, उनके वंशावली के बारे में वंशानुचरितम में बताया गया है। अब हमारा पुराण खत्म हुआ, आगे चलते हैं उपवेद के बारे में। तो ऑक्सिलरी वेदास वेर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ वेदास। तो उपवेदों को क्या कहा जाता है कि ऑक्सिलरी वेद है। ऑक्सिलरी वेद मतलब सहायक वेद है, वेदों के सहायक के नाम से उपवेद को या उपवेद को जाना जाता है। दे वेर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ वेदास। तो ये पारंपरिक रूप से वेदों से संबंधित थे। तो उपवेद पढ़ते हैं और वो किस किस वेद से संबंधित है, इसकी लिस्ट है। तो आयुर्वेद, दैट इज मेडिसिन। आयुर्वेद इसका मतलब होता है मेडिसिन से। तो ये किससे संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद, दैट इज म्यूजिक। तो गंधर्व वेद का मतलब क्या होता है, म्यूजिक। और ये किससे संबंधित है, तो ये गंधर्व वेद जो है वो साम वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद साम वेद से संबंधित है और आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। तीसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद दैट इज आर्चरी। धनुर्वेद का मतलब आर्चरी से होता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। पांचवा है शिल्पवेद या अथर्ववेद। ये किससे संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से, गंधर्व वेद संबंधित है सामवेद से, धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से, और शिल्पवेद या अथर्ववेद संबंधित है अथर्ववेद से। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज सात दर्शन। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 स्कूल्स बताए गए हैं, 6 विद्यालय बताए गए हैं, 6 स्कूल बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन थे, कपिला। सांख्य दर्शन के फाउंडर थे कपिल। और इसका बेसिक टेक्स्ट जो है वो सांख्य सूत्र के नाम से लिखा गया है। दूसरा है योग दर्शन। तो ये योग दर्शन के कौन से फाउंडर थे, वो थे योग दर्शन के फाउंडर थे पतंजलि। और इसका बेसिक टेक्स्ट जो है वो उसका नाम है योग सूत्र। तीसरा है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के फाउंडर कौन थे, अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के फाउंडर थे। और इसका बेसिक टेक्स्ट जो लिखा गया है उसका नाम क्या है, तो न्याय सूत्र नाम है। आगे है वैशेषिका दर्शन। तो वैशेषिका दर्शन उल्लुका कन्नड के द्वारा फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर थे वैशेषिका दर्शन के उल्लुका कन्नड। और इसका बेसिक टेक्स्ट कौन सा है, तो वैशेषिका सूत्र इसके बेसिक टेक्स्ट का नाम है। पांचवा है मीमांसा या पूर्व मीमांसा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के फाउंडर कौन थे, तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के फाउंडर थे जामिनी। और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है वो पूर्व मीमांसा सूत्र के नाम से लिखा गया है। किस नाम से लिखा गया है, तो पूर्व मीमांसा सूत्र के नाम से। छठा है वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल हमने पढ़े, भारतीय दर्शन के 6 स्कूल पढ़े, जिसमें से सबसे अंतिम है वेदांत या उत्तर मीमांसा। और इसके फाउंडर कौन थे, तो बद्रायन थे इसके फाउंडर। और इसका बेसिक टेक्स्ट कौन सा है, तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र इसका बेसिक टेक्स्ट है। तो इस तरह से हमने वैदिक कल्चर की बहुत सारे जानकारियां इस वीडियो में पढ़ी। अगले वीडियो में हम ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे या पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।